लगातार गतिरोध और कांग्रेस के सांसदों के वेल में आ जाने, प्लेकार्ड दिखाने, कैमरों के आगे चले जाने, मंत्रियों के सामने तख्तियां ले जाने, इन सब बातों से क्षुब्ध होकर जब स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सांसदों को सस्पेंड किया, 25 कांग्रेसी सांसदों को, तो कुछ एनालिस्ट ये भी कहने लगे कि इस कदम की वजह से पहले बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करने का काम स्पीकर ने किया है, लेकिन अब ये लग रहा है कि विपक्षी एकता फिर हवा होने लगी है। हम इस पक्ष में हैं कि सदन चले, और ये ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ, कृपा करके मेरी एक आपसे प्रार्थना है, हमेशा स्पीकर चाहता तो बंद हो जाता, बुला दिए इनको, हमें सबको बुला दिए, अभी बंद हो जाएगा, जब बुलाती नहीं आप। बुलाया है, आप सबको बुलाया है, आप इनके नेताओं को मुझे बुला लीजिए, उधर के नेताओं को बुला लीजिए, अभी बात हो जाए, क्या आपकी जिम्मेदारी रेडी। मैं अभी हाउस एडजोर्न करती हूँ, और खड़गे जी आने को अगर तैयार है अंदर, मैं आप सबको बुला लूंगी। अभी पूछिए, लेकिन बिकॉज मैंने सभी आपके लीडर्स की बैठक ले चुकी हूँ, आई एम रेडी टू डिस्कस, नो प्रॉब्लम। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की पहल पर लोकसभा अध्यक्ष ने सोमवार को सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर सभी दलों की बैठक बुलाई। काफी ना नुकुर के बाद कांग्रेस उसमें शामिल तो हुई, लेकिन सदन चलने देने की मुलायम की अपील को सिरे से ठुकरा दिया। मुलायम सिंह जी बोले कि थोड़ा डिस्कशन अगर हो सकता है तो करके उसको रिप्लाई देके फिर उसको एजिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ये उनका सलाह। बाकी पार्टियों ने भी उसमें सहमति, उन्होंने एक ही बात की। अंतिम सवाल, जब तक इस्तीफा नहीं तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी? ये देखिए, हमारा तो अब तक का स्टैंड है, हमने ये सबको कहा है कि भाई पहले रेसिग्नेशन दो, उसके बाद में एक्शन दो, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। मुलायम ने गतिरोध दूर करने की जो पहल की थी उसे एनसीपी, टीएमसी, जेडीयू और आरजेडी जैसे कई विपक्षी दलों का समर्थन था। सारी बातें वहाँ रखी गई हर एक बिंदुओं को, लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला। तो सर, सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि मुलायम सिंह यादव कांग्रेस के साथ नहीं है इस मसले पर और बाकी पार्टी, ये सवाल कहाँ है? कोई सूत्र नहीं होता है, जो बात वहाँ सामने हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकला। मॉनसून सत्र में अब मात्र 3 दिन शेष बचे हैं। मुलायम सिंह यादव की पहल पर स्पीकर द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का नतीजा भले ही कुछ नहीं निकला हो, लेकिन सरकार को लगता है कि इस पूरे एपिसोड में कांग्रेस नेतृत्व के मंसूबे की पोल खुल चुकी है। कांग्रेस पार्टी में भी अब सदन न चले इस तर्क को बढ़ाने वाले बहुत नहीं है, केवल उनके 2 प्रमुख नेता अपनी जिद के ऊपर अड़े हुए हैं। कुछ नेताओं के अड़ियल रवैये के चलते जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा पानी की तरह बर्बाद हो रहा है। बड़ा सवाल है कि नेताओं को कब अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नीरज कुमार।